लिसनर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाय के मसाले की रेसिपी। हम कई बार होटल्स वगैरह से चाय पीते हैं तो हमें उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो यही सोचते हैं कि ऐसी चाय घर पर क्यों नहीं बन सकती। तो मैं आपको बता दूँ, सारा का सारा कमाल चाय के मसाले का होता है जो कि आराम से घर पर बन सकता है। तो आज उसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये चाय का मसाला आपका एज एन इम्यूनिटी बूस्टर भी काम करेगा, जो पूरी सर्दी आपको कफ एंड कोल्ड से बचाएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। चाय का मसाला बनाने के लिए पहले हम कुछ चीज़ों को रोस्ट करेंगे पैन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने डाल दी है थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में सौंफ। तो सौंफ जो होती है वो हमारी बैड ब्रीथ को अच्छा करती है, हमारे डाइजेशन को ठीक करती है और हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करती है। उसके बाद मैंने डाल दी है दालचीनी, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल सही कर देती है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपकी आइस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। साथ में ही मैंने डाल दी है इसमें काली मिर्ची साबुत वाली, और अब चली गई है इसके अंदर ब्लैक और ग्रीन वाली इलायची। ब्लैक वाली जो इलायची होती है ना, हमारे अस्थमेटिक प्रॉब्लम या हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को बहुत सही कर देती है। और साथ में इसमें चला गया है लौंग। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मुलेठी। मुलेठी हमारे थ्रोट के लिए बहुत अच्छी है, जैसे हमारे कफ या कोल्ड हो जाता है तो हमारे गले को साफ रखती है, तो मुलेठी भी हमें रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है एक जायफल का सीड, और अगर आपके पास जायफल नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। और बस इन सभी मसालों को हमने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। हमने इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आपको जस्ट इसके अंदर क्या होता है, जब हम होल मसाला को ऐसे रोस्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं या फिर जो भी फ्लेवर्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए, फ्लेवर्स को और अच्छा इसके अंदर एनहांस करने के लिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। तो रोस्ट करने के बाद, थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद, मैंने इसके अंदर डाल दिया है तुलसी के पत्ते। आपको तो पता ही है जो तुलसी है वो हाई एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, और ये हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन्स हो जाते हैं ना, उसको भी डिजोल्व करने में बहुत हेल्प करती है। साथ में मैंने डाल दिया है ड्राई जिंजर पाउडर, या जिसको आप सौंठ बोलते हैं, तो इसको भी हमने रोस्ट करना है ताकि थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो सारे जो मसाले हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। इसको मैंने बड़े वाले जार के अंदर, या जो भी जार जिसके अंदर ये अच्छे से ग्राइंड हो सके, आपको उसी के अंदर डाल के इनको ग्राइंड करना है और इनको पाउडर फॉर्म में लेके आना है। तो सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे, और आपको जो इसका जो फॉर्म रखना है ना पाउडर का, वो चाहो तो आप इसको मोटा मोटा रख सकते हो, चाहे तो बिल्कुल बारीक कर सकते हो। मेरे को थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा इसको ऐसे फाइन नहीं करा ज़्यादा, तो ऐसे मोटा मोटा दरदरा सा ही करा है। तो इसको जब आपने चाय बनानी है ना, चाय बनाने के बाद जैसे पत्ती थोड़ी जैसे उबल जाती है, उसके बाद आप इसको डाल के इसको अच्छे से इसको बॉयल देना है पानी के अंदर, तो ये इसका और अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। तो आपको इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करके रखना है, ताकि इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है, जो इसकी खुशबू है, वो ना निकले। और आप इसको नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए आराम से सेव करके रख सकते हो। पूरी विंटर्स आपकी आराम से निकल जाएगी। आप रोज़ सुबह उठते हो या जब भी चाय बनाते हो, आप इस मसाले को यूज़ करो। आप यही मसाला दूध के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप दूध बॉईल करते हो तो उसके अंदर आप ये थोड़ा सा मसाला डाल के उसको बॉईल करो 5-6 मिनट्स के लिए, तो इसका सारा फ्लेवर आपके दूध में आ जाएगा। मैंने पहले भी एक डाइट मिल्क की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस वाले डाइट मिल्क के अंदर भी इस मसाले का यूज़ कर सकते हो। और चाय का तो पूछो ही मत, चाय का तो टेस्ट बिल्कुल वही वाला आएगा जो हम होटल्स वगैरह में पीते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या डल गया इसके अंदर कि इसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया। तो आप इस मसाले को ज़रूर ट्राई करो घर पे। फ्रेंड्स, जल्दी से ये चाय का मसाला अपने किचन में रेडी कर लो, और अपनी जहाँ पे आपने चीनी और चाय पत्ती रखी हुई है ना, बिल्कुल उसके साथ रखना, ताकि आप इसको भूलो ना डालना। और इस चाय को टेस्ट करके देखो, सच्ची बता रही हूँ, आपका मूड बन जाएगा और पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो विद मोर एंड मोर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।